News 18, India. आपको बता दें, किसानों से जुड़ी हुई इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, चंडीगढ़ में आज सरकार और किसानों के बीच तीसरे दौर की वार्ता होगी। इस वार्ता में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा और नित्यानंद राय शामिल होंगे। बैठक शाम 5 बजे होगी, जिसमें किसान की मांगों पर चर्चा की जाएगी। माना यही जा रहा है कि इस बैठक में 15 से 20 किसान नेता शामिल हो सकते हैं और पंजाब सरकार से भी कोई मंत्री इस बैठक में शामिल हो सकता है। पिछली बार हुई बैठक में 17 किसान नेता बैठक में शामिल हुए थे, लेकिन जो बैठकें हुई थी वो बेनतीजा रही। आज तीसरे दौर की बैठक चंडीगढ़ में होगी, कृषि मंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। पहले दौर की वार्ता 8 फरवरी को हुई थी, दूसरे दौर की वार्ता 12 फरवरी को हुई थी और आज शाम 5 बजे तीसरे दौर की वार्ता, किसानों की मांगों पर चर्चा की जाएगी। किसान क्या कुछ मांग कर रहे हैं, लगातार सरकार उन्हें मनाने की कोशिश कर रही है। सरकार और किसानों के बीच आज होने वाली बैठक बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि पिछली बार हुई बैठक में सरकार और किसानों के बीच कोई सहमति नहीं बन पाई थी, जिसके बाद किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया था। किसानों ने सरकार पर मांगे नहीं मानने का आरोप लगाया था, लेकिन एक बार फिर से वार्ता का प्रस्ताव आने के बाद सरकार ने किसानों से बातचीत के लिए तैयारी की है और आज होने वाली बैठक में भी सरकार और किसान संगठनों के बीच कई मुद्दों पर चर्चा होनी है और विशेष रूप से एमएसपी मिनिमम सेलिंग प्राइस का मुद्दा भी छाया रहेगा। तो चंडीगढ़ में किसान और सरकार के बीच होने वाले तीसरे दौर की वार्ता पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। किसान नेताओं का यह कहना है कि वो बैठक के बाद दिल्ली कूच करने पर फैसला करेंगे। तो आज शाम 5 बजे की जो बैठक होनी है, तीसरे दौर की बैठक होगी, काफी अहम ये बैठक मानी जा रही है। कई किसान नेता इस बैठक में भी शामिल होंगे। ये वर्बली मीटिंग थी पंजाब के अधिकारियों से, वो मध्यस्थता कर रहे हैं केंद्र के साथ वार्ता के लिए। तो पंजाब के डीजीपी इंटेलिजेंस से और भी अधिकारी थे। मीटिंग चंडीगढ़ में केंद्र के 3 मंत्री जो पहले भी आ चुके, वही मंत्रियों से हमारी वार्ता शुरू होगी। पीयूष गोयल जी हैं और हमारे खेतीबाड़ी मंत्री अर्जुन मुंडा जी हैं, अनित्यानंद रॉय जी हैं। एजेंडा हमारा वही होगा जो 10 सूत्री हमने मांग पत्र दिया है। ये कोई नया मुद्दा तो उसमें जुड़ने वाला नहीं है, वही जो डिमांड्स हैं हमारी, उन्हीं डिमांडों के ऊपर चर्चा होगी। पत्र आ चुका है, अधिकारियों के पास पत्र आ गया, उसकी कॉपी निकालने वाली है, निकाल कर दे देंगे। हमें शाम 5 बजे की बैठक की टाइम दिया गया है, उसमें 3 मंत्री आएंगे और 3 मंत्रियों के साथ कुछ मामले, जैसे हमारे पंजाब के जो आंदोलन के शहीद हैं उनके बच्चों को नौकरी दिलाने का मामला है, मैं उस मामला, वो पंजाब सरकार के साथ भी थोड़ा जुड़ता है, उसके लिए मैं निवेदन करता हूँ उस हमारे मुख्यमंत्री जी को, वो भी इस बैठक में जरूर आएंगे। तो इससे पहले 2 दौर की बैठकें हुई हैं, बेनतीजा रही है, लेकिन इस बार किसान संगठनों ने तीसरे दौर की बैठक के लिए प्रस्ताव भेजा था। लेकिन सवाल यह है कि आज तीसरे दौर की होने वाली मीटिंग में सरकार और किसानों के बीच आम सहमति बन पाएगी, क्योंकि अब तक हुई वार्ता बेनतीजा रही है। किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान के बाद आज चंडीगढ़ में यह वार्ता होनी है। चंडीगढ़ में शाम 5 बजे सरकार और किसान संगठनों के बीच ये अहम बैठक होगी। बैठक में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, नित्यानंद राय और अर्जुन मुंडा यहां पर शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक में 20 किसान संगठनों के नेता भी शामिल होंगे। इस बीच पंजाब सरकार के मंत्री भी बैठक में शिरकत करेंगे। किसान एमएसपी गारंटी कानून लागू करने की मांग कर रहे हैं, तो इसे लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा और पूछा कि आखिर कांग्रेस की सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू क्यों नहीं की। राहुल गांधी और कांग्रेस का ये पाखंड है, झूठ है और फरेबी है और दोगलापन है। मैंने 2010 में ये सवाल पूछा था राज्यसभा में और ऐसे मैंने 10 साल सवाल पूछे यही मुद्दे पर कि एमएसपी स्वामीनाथन कमीशन का आप रेम्यूनरेटिव प्राइसेस देंगे कि नहीं, उस फॉर्मूला के आधार पर। जब ये काले कानून प्रधानमंत्री लाए राज्यसभा में, लोकसभा में, तब ये कानूनी दर्जा का मामला फिर से उभर कर उठा। क्यों, समझिए क्रोनोलॉजी, समझिए
और इसका संदर्भ समझिए, एमएसपी को लीगल गारंटी देना तब जरूरी पड़ता है जब निजी बिक्री, निजी खरीद ज़्यादा होता है। वो जो तीन काले कानून लाए गए थे वो सारे हमारे कृषि का निजीकरण हो रहा था। तो किसानों की एमएसपी वाली मांग को लेकर सियासत गरमाई हुई है, लेकिन अगर एमएसपी वाली मांग मान ली जाती है तो इससे सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ बढ़ जाएगा और उसका सीधा असर हमारी और आपकी जेब पर होगा। ग्राफिकली आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ये बोझ बढ़ेगा। अगर सभी फसलों पर एमएसपी का फैसला लिया गया तो इससे सरकारी खजाने पर 45 लाख करोड़ का बोझ बढ़ जाएगा। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ेगा, जबकि हमारे देश का कुल बजट 45 लाख करोड़ का है। ऐसे में धन जुटाने के लिए सरकार को अतिरिक्त टैक्स भी लगाना होगा। रक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के फंड में कटौती भी करनी होगी। तो देखिए किस तरीके से किसानों की मांगें अगर मानी जाती हैं तो देश के खजाने पर इसका कितना असर होगा। बीजेपी ने पंजाब सरकार पर किसानों के मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगा दिया, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने भी पुलिस की कार्रवाई को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। 10 साल उनकी सरकार रही, 2004 के अंदर स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट आ गई थी और उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी। अब कह रहे हैं कि एमएसपी लागू करेंगे, हालांकि सरकार, भारत सरकार ने ऑलरेडी एमएसपी पे एक कमेटी बिठाई हुई है और इसका काम चल रहा है और वह जल्द से जल्द उस पर काम जो उसका आउटकम आएगा। और किसानों के मसले हल होने चाहिए बातचीत से, ना कि वहाँ पर झगड़ा करके। जेड़ा साडा देश है, खेती प्रधान देश है। मैं एक किसानी परिवार चो बिलोंग करती हूँ। मेरे पुरखे है जेड़े खेती करते रहे, सो असी इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं। तो जिस तरीके ये लाठीचार्ज किया जा रहा है, जेड़े फालसू गैस छड़ी जा रही है, लगातार कई अखा का नुकसान होया। तो मैं पिछे जो हम खबर पढ़ी है भी अखा की रोशनी चली गई है दो। सो ये जड़ा गैर कानूनी ढंग ना लोकतांत्रिक ढांचे का केंद्र सरकार ने मजाक बनाया है, पुलिस नू हथियार बना के असी इहदी निंदा करदे आ। तो देखिए बीजेपी का दावा है कि मोदी सरकार ने किसानों के हित में कई फैसले लिए हैं, जबकि दूसरी तरफ विपक्ष किसानों के मुद्दे को लेकर सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है। किसानों को इतना कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार किसानों के भले के लिए बहुत सारे कार्यक्रम कर रही है। जहां तक एमएसपी की बात है, उसके ऊपर भी परसों ही सरकार ने, कैबिनेट ने डिसीजन लेके किसानों के हित में कई डिसीजन लिए हैं। तो एमएसपी का जहां तक विषय है, किसानों के हित में केंद्र सरकार निर्णय ले रही है। किसानों को कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, शांतिपूर्ण तरीके से जो अपनी बात को सरकार सुनने के लिए तैयार है उसको उसके सामने रखना चाहिए। तरीके से बैरिकेड लगाए गए कि ताकि किसान आगे ना बढ़ सके, ये तो पिछले बार भी किया था। साल भर वो संघर्ष चला, उसके बाद प्रधानमंत्री को खुद पीछे कदम लेना पड़ा और इन कानूनों को वापस लेना पड़ा। वापस लेते समय प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया था हमारे किसानों को, अन्नदाताओं को, कि उनकी बाकी मांगों के ऊपर पॉजिटिवली सरकार जो है वो अपना आगे बढ़ाएगी काम। तो देखिए इस पूरे मुद्दे को लेकर लगातार सियासत हो रही है, लेकिन किसान लगातार सरकार से एमएसपी पर कानून की मांग कर रहे हैं। लेकिन अगर एमएसपी बढ़ी तो इसका सीधा असर महंगाई पर भी होगा। ग्राफिकली आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि देखिए अभी 22 फसलों पर एमएसपी की गारंटी है। मौजूदा समय में केंद्र सरकार 22 फसलों पर एमएसपी दे रही है, लेकिन अभी जो एमएसपी मिल रही है वो किसानों की मांग से 25 से 30% कम है। ऐसे में अगर सरकार किसानों की मांग मान लेती है तो इससे फसलों के दाम बढ़ जाएंगे, और अगर फसलों के दाम बढ़े तो इसका सीधा असर महंगाई पर पड़ेगा, यानी खाने पीने की चीजें और ज्यादा महंगी हो जाएंगी। प्रदर्शनकारियों के हंगामे को देखते हुए दिल्ली को पूरी तरह से सील कर दिया गया। दिल्ली के हर एक बॉर्डर पर चौकसी को कड़ा कर दिया गया है, जगह जगह नाकेबंदी कर दी गई है। पुलिस और प्रशासन की पूरी कोशिश कि प्रदर्शनकारियों को दिल्ली के बाहर ही रोक दिया जाए, जिसके लिए दिल्ली की सभी सीमाओं पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, जो आप 6 तस्वीरों में देख रहे हैं, पुलिस की बैरिकेडिंग के साथ सीमेंट की दीवार भी खड़ी कर दी गई है।
किसान आंदोलन की खबर आपको दिखाएंगे, लेकिन इन सबके बीच में एक बड़ी खबर आ रही है। आज सीबीएसई की परीक्षा भी शुरू हो जाएगी और जिसे देखते हुए सीबीएसई ने परीक्षार्थियों को समय से घर से निकलने और मेट्रो का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। परीक्षा देने के लिए परीक्षार्थियों को सुबह 10 बजे से पहले पहले परीक्षा केंद्रों पर पहुंचना होगा। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि आज से सीबीएसई के 10वीं और 12वीं की परीक्षा शुरू हो जाएंगी और ऐसे में सीबीएसई की ओर से गाइडलाइन जारी की गई है कि आप अपना जो सेंटर है उस पर 10 बजे से पहले पहले पहुंच जाएं। समय के अनुसार आप मेट्रो पकड़ें। अगर आप मेट्रो से आ रहे हैं, पब्लिक व्हीकल से आ रहे हैं, देरी होने के बाद आपको जो एग्जामिनेशन हॉल है वहां एंटर नहीं होने दिया जाएगा। हमारी भी छात्रों से अपील कि आप समय रहते अपने परीक्षा केंद्रों तक पहुंच जाएं। और आज क्योंकि आपका बोर्ड का एग्जाम, जितने भी हमारे दर्शक हैं जो देख रहे हैं उनके घर से अगर कोई ऐसा बच्चा जो 10वीं या 12वीं का एग्जाम देने जा रहा है सीबीएसई बोर्ड का, तो हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट उन सभी को। आपका पेपर अच्छा रहे, अच्छे से आप अपना एग्जाम दें, लेकिन समय के अनुसार निकले, समय देखते हुए, ताकि आप समय पर 10 बजे से पहले पहले अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंच पाए। तो देखिए, सीबीएसई की तरफ से ही अपील की गई है बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए। सीबीएसई ने छात्रों को यह सलाह दी है। सीबीएसई ने किसान आंदोलन की वजह से छात्रों को घर से जल्दी निकलने की सलाह दी है। सीबीएसई ने यह भी कहा है कि छात्र समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचे। परीक्षा केंद्र पर समय से पहुंचने के लिए मेट्रो का इस्तेमाल करें, क्योंकि 10 बजे के बाद परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा।